साथियों जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। साथियों, पाले से और बर्फ पड़ने से हरियाणा में लगभग 13 जिलों में 10 लाख एकड़ सरसों की 100% तक बर्बादी हुई है और कहीं भी 70% से कम नुकसान नहीं है। सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री 5 फरवरी से स्पेशल गिरदावरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हमारा अल्टीमेटम भी सरकार को 5 फरवरी का है। कृषि विभाग की एक सर्वे रिपोर्ट आई है नुकसान के आकलन के लिए और वो सर्वे रिपोर्ट पूरी तरह से किसानों के सपनों पे मुआवजे के लिए पानी फेरती है। प्रति एकड़ 22,000 रुपए का खर्चा खुद सरकार की रिपोर्ट बताती है सरसों पे, और जो ठेके में खेत लेके खेती कर रहे उनको 50,000 रुपए का खर्चा है। उसके बावजूद अगर सर्वे रिपोर्ट की हम बात करें जो मीडिया में छपी है, अखबारों में छपी है, उसमें नुकसान को एक तरीके से इस तरह से घुमाया गया है कि किसान को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सरकार ने अपनी मंशा दिखा दी है। भिवानी जिले में लगभग 3,65,000 एकड़ पर सरसों है, उसमें 25% नुकसान लगभग 65,000 एकड़ पर दिखाया गया है और 26 से लेकर के 50% तक का नुकसान 1,37,000 एकड़ पर दिखाया गया है। यानी कि 3,65,000 एकड़ में से कुल 2,00,000 एकड़ पर नुकसान दिखाया गया, जबकि नुकसान जो है वो जितनी भिवानी जिले पे जहां जहां किसान उत्पादन कर रहे हैं सरसों का, उसमें कहीं भी 70% से कम नुकसान नहीं है, ज्यादातर नुकसान 100% है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में भी लगभग 2,00,000 एकड़ पे नुकसान माना जा रहा है, उसमें 25% तक का नुकसान आ गया जिसमें कुछ नहीं मिलना, फिर 26 से 50% तक का नुकसान आ गया। हम सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं, तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी शुरू करें 5 फरवरी से, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन पर जाएंगे। रिपोर्ट हम पूरी तरह से किसानों के जले पर नमक छिड़क रही है। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।